थे अपने प्राण गमा, लड़ी वीरता से मर्दानी, गोरों को दई धूल चटाए की अकेली लक्ष्मी बाई, दस दस पर भारी पड़ जाए रही थी उसका साथ निभा, चमचमाती तलवारें भी अंग्रेजों के शीश उड़ाए, वो थी नारी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान रहा गुनगा, जन्म हुआ यूपी में जिनका, शहर बनारस में बदला सन थी 1828, मराठा वो परिवार बता जिनके पुरखे महाराज शिक्षा रहे दिला, नाना साहब पेशवा इनके संग रहे थे, शिक्षा पाए नाना साहब पेशवा इनके, नाना साहब पेशवा इनके संग रहे थे शिक्षा पाए, तात्या टोपे भी सहपाठी सीख रहे तलवार चला, बड़े नपुण हो गए वो तीनों, सीख ली सब युद्ध कला, उसको याद जुबानी हो गई, वीर शिवाजी की गाथा महाराष्ट्र कुल देवी की, वो बड़ी भक्तनी थी बतला, मनु हो गई माहिर काफी, अश्व परखने में बतला
रचना और खेलना खूब शिकार से में घेरना दुर्ग तोड़ना करे मनु ऐसे व्यवहार मनु चतुर चंचल थी ऐसी देख वीरता बाजीरा नाम मनु था किंतु छबीली कहकर बाजीरा बुलाए मोरो पांत तांबे अपनी बेटी की शादी को जान करी उन्होंने मनु की शादी झांसी के राजा से जाए करी उन्होंने मनु की शादी गंधाधर जी बुलाए सन 1851 पुत्र हुआ रानी के जान राजा ने अपने बेटे का नाम रखा दामोदर रा कुछ ही दिनों के बाद पुत्र की हो गई मौत तुम्हें बतलाए पुत्र शोक में डूब गई वो रानी गई बड़ी दुख आए पुत्र अकेला पाए अब शासन को कौन संभाले रानी सोच विचार लगाए बुझा दीप झांसी का तभी राजा गए सभी हर साय किया आक्रमण राजाओं ने राज्य हड़प करने गया फिर तो कमर कसी रानी ने उतर गई मैदान में जाए बड़ी वीरता से दुश्मन के उन्होंने छक्के दिए छुड़ाए बड़ी वीरता से दुश्मन के बड़ी वीरता से दुश्मन के उन्होंने छक्के दिए छुड़ाए किया पराजय राजाओं को अपनी झांसी लई बचा जिसका बालक आनंद राय गोद ले लिया महारानी ने नाम रखा दामोदर राज झांसी की रक्षा की खातिर मिली वो अंग्रेजों से जाए अंग्रेजी अफसर से इनको दे दी थी अपनी सेना फिर तो रानी ने फौजों में भर्ती करी कई झलकारी बाई रानी की हम सकल बताए घेर लिया था फिर झांसी को राजाओं ने फौज बढ़ाए घेर लिया था फिर झांसी को
सी से।